बिसम वहीम नाजरीन अलैक् मैं हूँ इमरान वसीम नाजन आज के इस वीडियो में कुछ अहम खबरें आज की कुछ अहम डेवलपमेंट्स आप नाजिम के साथ डिस्कस करेंगे आप नाजिम के साथ शेयर करेंगे एन ए सवेंटी फाइव डस्का के हवाले से अपनी पहली खबर से गुफ्तु का बाकायदा आगाज़ करते हैं एन एवंटी फाइव डस्का में कल दस अप्रैल को ज़िमनी इलेक्शन का मैदान सजेगा कल का ये बड़ा इंती मार्का कौन जीतेगा तहरीक इंसाफ कामयाब होगी मुसमिक नवाज़ कामयाब होगी इस हवाले से हकाइक और तारीख़ी पस मंज़र के साथ आगे चल के डिटेल में आप नाजिम के साथ गुफ्तू करेंगे लेकिन उससे पहले डस्का के ज़मनी इलेक्शन के हवाले से एक बड़ी अहम ख़बर आप नाजिम के साथ शेयर करेंगे नाजिम डस्का के ज़िमनी इलेक्शन की पोलिंग का आगाज़ होने में चंद घंटों का वक्त बाकी रह गया है और पोलिंग का आगाज होने से एक रोज़ कबल नू लीग की उम्मीदवार नौशी अफ्तार की जानब से ज़िमनी इलेक्शन में धांधली का संगीन इल्ज़ाम इल्ज़ामायद कर दिया गया है नौशीन अफ्तार की जानब से धांधली का यह इल्ज़ाम बर रास्त तहरीक इंसाफ पर लगाया गया है तहरीक इंसाफ़ के, के उम्मीदवार पर लगाया गया है नौशी अफ्तार अपने इल्ज़ाम में यह कहती हैं कि उन्हें हराने के लिए तहरीक इंसाफ की जानब से एक ऐसा मनसूबा बनाया गया है और उस मनसूबे के मुताबिक कल के ज़मनी इलेक्शन के पोलिंग के अमल में छत्तीस हज़ार बोगस वोट तहरिकसाफ के उम्मीदवार अली अज़रत मली को पोल कराए जाएंगे अली अज़रत मली को छत्तीस हज़ार बोगस वोट जो है वो डलवाए जाएंगे इस खबर की नाजीन डिटेल कुछ यूँ हैं कि आज नौशीन इफ्तार की जानब से चीफ़ इलेक्शनर कमिश्नर को एक खत लिखा गया उस खत में नौशीन इफ्तार ने धांधली का यह इल्ज़ाम लगाया है कि कल डस्का में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली इसद मलिक को सौ बोगस वोट पोल कराने का मनसूबा बनाया गया है नजिए जो इल्ज़ाम लगाया गया है नौशीन इफ्तार की जानब से कि हर पोलिंग स्टेशन पर सौ बोगस वोट जो है इंसाफ के कैंडिडेट को पोल कराए जाएंगे इसका अगर आप मजमूरी तौर पर जायज़ा लेंगे तो डस्का के हल्के के मजमुई तौर पर जो पोलिंग स्टेशन है वो तीन सौ साठ हैं तीन सौ साठ पोलिंग स्टेशन को अगर आप सौ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये छत्तीस हज़ार जो है वो का फिगर बनता है और नौशीन अफ्तार यही कह रही हैं कि हर पोलिंग स्टेशन से जब सौ बोगस वोट डाले जाएंगे तो मजमुई तौर पर तीन सौ साठ पोलिंग स्टेशन से आ आ जो अली अलीसद मली हैं उन्हें छत्तीस हज़ार बोकस वोट पोल कराए जाएंगे इस तरह से उनकी जो कामयाबी है इस ज़मीनी इलेक्शन में उसे नाकामी में तब्दील कर दिया जाएगा जो ख़त लिखा गया है नौशीन इफ्तार की जानब से चीफ इलेक्शन कमीशन को उसमें नौशीन अफ्तार ने चीफ इलेक्शन कमीशनर से इस बात का मुतालबा किया है कि हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो पोलिंग ऑफिसर होता है इस किस्म की धांधली को रोकने के लिए हर पोलिंग सेशन के पोलिंग पौलि, ऑफ़िसर को पोलिंग मॉनिटर ऑफ़िसर की जिम्मेदारियां भी देनी चाहिए और अगर कल के पोलिंग के इस प्रोसेस में इस तरह से बोगस वोट पोल कराए जाते हैं तो वो पोलिंग ऑफ़िसर जिसे मॉनिटरिंग की निगरानी की ज़िम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की जानब से दी गई दी जाएगी वो इस तमाम अमल की निगरानी करेगा इस तमाम अमल का जायज़ा लेगा और अगर ऐसा होता है जिस तरह से मनसूबा बनाया गया है बोगस वोट पोल कराए जाते हैं तो वो मुतलका ऑफ़िसर को रिपोर्ट करेगा अपने इस खत में नौशीन इफ्तार ने इलेक्शन कमीशन से इस बात का मुतालबा भी किया है कि कल की पोलिंग का आगाज होने से कबल डस्का शहर की जो अहम शाहरा हैं जो अहम रोड्स हैं वहाँ पर सी सी टी वी कैमरे लगाए जाएँ नौशीन अफ्तार ये कह रही हैं कि जो पिछला जमनी इलेक्शन हुआ उन्नीस फरवरी का जिसके नतयज को इलेक्शन कमीशन की जानब से कलदम करार दिया गया था उसमें एक अमल जो था एक मसला जो था वो अमन आमा का भी था और कल जो पोलिंग होने जा रही है उसमें अगर इसी किस्म के अगर मसाइल पैदा किए गए लॉ एंड ऑर्डर्स के हवाले से तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा इसकी रिकॉर्डिंग की जाए ताकि कल को अगर ऐसा मसला पैदा होता है तो जिस जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ जो है वो कानूनी तौर पर एक्शन लिया जा सके इस खत के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने क्या फ़ैसला किया है क्या एक्शन लिया गया है इस हवाले से कोई इतलात जो है वो सामने नहीं आ सकें लेकिन कल का यह इंतबी मार्का या बड़ा इंती दंगल कौन जीतेगा इस हवाले से कुछ हकाइक कुछ तारीख़ी पस मंज़र आप नाजिम के साथ मैं शेयर करूँगा आप मेरे साथ रहेंगे और इस खबर के बाद नवाज शरीफ के करीबी साथी को नैब की जानब से तलब किया गया है और जस्टिस कादी फाइज साह के केस के हवाले से तेरह अप्रैल को एक अहम फैसला सुनाया जाएगा उन दोनों खबरों की तफसीत भी आप नाजिम के साथ शेयर करेंगे नाजिम तारीख़ी पस मंजर अगर एन ए सैनटी फाइव डस्का का देखा जाए तो जो मैंने चीज़ें आज निकाली हैं पता नहीं मेरा पेज कहाँ खो गया है जल्दी से निकाल लेता हूँ तारीख़ी पस मंजर के हवाले से बताते हैं कि उन्नीस सौ सत्तर से लेकर उन्नीस सौ अठासी तक डस्का का ये हल, जो हल्का था ये कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ हुआ करता था उन्नीस सौ सत्तर के इंतबात में 1977 के इंतबात में और 1988 के इंतबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एन ए फाइव डस्का के हल्के से कामयाबी हासिल की और उसके बाद जब उन्नीस सौ नबे का इलेक्शन होता है जब बेनज़ीर की हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाता है तो आई जी आई बनती है आई जी आई बनने के बाद इसी हल्के से जो आई जी आई के कैंडिडेट के होते हैं उन्नीस सौ नबे में नज़ीर अहमद खान जो है वो डस्का से कामयाब होते हैं इसके बाद उन्नीस सौ तिरानवे और उन्नीस सौ सतानवे के आम इंतबात में मुस्लिम नवाज के कैंडिडेट सैयद इफ्तार हसन वो इस हल्के से अच्छी लीड के साथ कामयाब होते हैं लेकिन दो हज़ार दो में जो आम इंतबात होते हैं जो जनरल परवेज मुशरफ का एक दौर था और उस दौर में जो इलेक्शन कराए गए थे उसमें काफ लीग के उम्मीदवार जो इतफाकन मौजूदा जो तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं हजत मली थे 2002 में काफ लीग की जानब से अली हजद मली डस्का के नशस्त से कामयाब हुए थे इसी तरह से 2008, 2013 और 2018 हज़ार अठारह के इंतबात में डस्का के इस हलके से मुस्म नवाज़ जो है वो कामयाब हुई थी उनके कैंडिडेट इस हलके से जीत गए थे लेकिन अगर मजमू तौर पर देखा जाए तो अब तक के जितने भी इंतबात हुए हैं न लीग ने मजमूरी तौर पर अगर एवरेज निकाली जाए तो जितने भी वोट पोल हुए हैं एन ए सैवनटी फाइव डस्का के इस हल्के में उसमें चालीस से तकरीबन कोई पचपन से अट्ठावन फ़ीसद वोट जो है नून लीग के कैंडिडेट ने हासिल किए हैं तो बड़ी सबकत रही है नून लीग का गढ़ रहा है एन ए सैवनटी फाइव डस्का का ये हल्का और पी टी आई ने जो आखिरी दो इलेक्शन दो हज़ार तेरह और दो हज़ार अट्ठारह का यहाँ पर लड़ा है उसमें पी टी आई के कैंडिडेट को मजमुई तौर पर जो वोट पोल किए गए थे उसके 24 से 26 फ़ीसद वोट जो है वो तहकर तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट ने हासिल किए थे लेकिन अगर हम आखिरी ज़मीनी इलेक्शन की बात करें जो 19 फरवरी को हुआ जिसका नतीजा इलेक्शन कमीशन की से कलदम करके अब दोबारा दस अप्रैल को रीपोल कराने का हुक्म दिया गया है अगर उसके तीन पोलिंग स्टेशन के अगर नतज का जायज़ा लिया जाए तो ये चीज़ वाजे होती है मेरिट के ऊपर वाजे होती है कि तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक है 2008 के बाद डस्का के इस हलके में उस वोट बैंक में इजाफा हुआ है तहरीक इंसाफ के वोटर्स में इजाफ़ा हुआ है क्योंकि जो हज़ारों की लीड थी कई हज़ारों की जो लीड थी तहरीक इंसाफ और नून लीग के कैंडिडेट के दरमियान 2018 के इलेक्शन में वो लीड कम हुई है 2000 जो 19 फरवरी को ज़मीनी इलेक्शन हुआ है 2021 में क्योंकि तीन सौ सैंतीस पोलिंग स्टेशन के नतज के मुताबिक तकरीबन सं, सतानवे हज़ार से ज़्यादा वोट जो है वो नौशीन इफ्तार साहबा ने हासिल किए थे जबकि चुरानवे हज़ार से ज़्यादा वोट जो है पी टी आई के उम्मीदवारत मलिक की जानब से हासिल किए गए थे तो तारीख अगर देखी जाए तो नून लीग का पलड़ा जो है वो यहाँ पर भारी रहा है जीतती रही है तसलसल के साथ मुस्मिक नमाज लेकिन अगर ज़मनी इलेक्शन 19 फरवरी के ज़मनी इलेक्शन के नतज़ देखे जाएं, तो उससे ये वाज होता है ये बात साबित होती है कि इस हल्के में इंसाफ़ का जो वोट बैंक है उसमें बड़ी तेज़ी के साथ ख़ासी हद तक जो है उसमें इजाफा हुआ है लेकिन कल कौन जीतेगा इसका फ़ैसला जो हल्के की आवाम है उन्होंने करना है कि आया के न लीग की उम्मीदवार को जितवाना है या फिर तहरीक इसाफ़ के कैंडिडेट अली हजरत मली के हक में फ़ैसला सुनाना है दूसरी खबर के हवाले से बात कर लेते हैं जैसा कि मैंने वीडियो के बीच में एक जगह पर कह दिया था कि नैब की जानब से नवाज शरीफ के एक करीबी साथी को तलब किया गया है ये नाजरीन खबर है ये है कि चीनी स्कैंडल के हवाले से नैब में जो मामला पड़ा है उसमें एक पेशरफ्त हुई है और नैब की जानब से नवाज शरीफ के करीबी साथी जो कि शुगर मिल एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन है जवेद की उन्हें तलब किया गया है जवेद कीाननी नाजरीन वो शख़्स हैं जो हुदेबिया पेपर मिल में भी मुलजम के तौर पर शामिल थे उन्हें भी हदेबिया पेपर मिल केस में बतौर मुलजम शामिल किया गया था और नवाज शरीफ के साथ इनका करीबी ताल्लुक बताया जाता है न सिर्फ जवेद क्यानी को तलब किया गया है नैब की जानब से शुगर स्कैंडल में बल्कि इसके साथ साथ वजारत सनत व पैदावार के दो सबक अफसरान को भी नैब ने इसी स्कैंडल में तहकीक के सिलसिले में तलब किया है तेरह और चौदह अप्रैल को इन लोगों को इन शख्सियात को नैब की जानब से तलब किया गया है और नैब के ज़रिए बताया है जरा ये बताते हैं कि ये शख्सियात नैब की जे के सामने पेश होंगी और इस हवाले से जो सवाल नामा है वो पहले ही इन लोगों को भिजवाया जा चुका है तीसरी खबर के हवाले से जस्टिस कादिफ फैसा के हवाले से तेरह अप्रैल को क्या फैसला होने जा रहा है नाजन जो 19 जून को सुप्रीम कोर्ट के दस रुकनी लार्जर बेंच ने फ़ैसला दिया जिसमें हकूमत की जानब से भेजे गए रेफरेंस को अदालत ने कलदम करार दिया और फिर उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो नज़र षानी की दरखास्तें आई थीं उन नज़र षानी की दरख्वास्तों को समात के लिए मुकर किया गया था लेकिन जैसे ही दस रुकनी लाजर बेंच बैठा तो जस्टिस काजी फ़ैसा की जानब से लाइव स्ट्रीमिंग के हवाले से एक मतफ़रक दरख्वास दायर की गई थी जिस पर आखिरी समात पर अदालत ने फैसला महफूज किया था और अब दोबारा से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानब से इस मुकदमे को समात के लिए मुकर किया गया है तेरह अप्रैल की तारीख़ दी गई है साढ़े ग्यारह बजे जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में दस रुकनी लार्जर बैंक दोबारा से बैठेगा और लाइव स्ट्रीमिंग के हवाले से जस्टिस काजी फ़ाइसा की मतफ़र्क दरख्वात पर मतवे यह है कि फैसला मुख्तसर फैसला सुनाया जाएगा और मुख्तसर फैसला सुनाने के बाद जो नजर षानी की दरखास्तें हैं जिस पर तालाल जो है कोई समात नहीं हो सकी कोई एक आर्गमेंट्स भी नहीं हो सका तेरह अप्रैल से इस बात की उम्मीद लगाई जा रही है तो किया जा रहा है के 19 जून के फैसले के ख़िलाफ़ जो नजर षानी की दरख्वास्तियाँ आई थी उन पर बाकायदा तेरह अप्रैल से समात का आगाज़ हो जाएगा तो नाजरीन ना आज की इस वीडियो में इतना ही लेकिन आपसे इजाज़त चाहने से पहले आज की इस वीडियो में मैंने किसी भी ख़बर का इंट्रो नहीं दिया क्योंकि इससे पहले जो मैंने जस्टिस काजिक फाइसा के हवाले से ख़बर बनाई थी कि एक्शन लिया गया है अहम इजलास तलब किया गया है उस खबर का जो इंटरव्यो था थोड़ा सा तवील हुआ तो मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त मेरे देखने वाले आसिफ नज़ीर अब मुझे नाम भूल गया मेरे जहन से उन्होंने सवाल उठाया कि आपका इंट्रो लंबा है डॉक्टर आसिफ नज़ीर की जानब से तो लिहाजा आप कोशिश किया करें कि इंट्रो जो है आपका मुख्तर हो तो मैंने इसलिए उनकी बात सुन के इंट्रो दिया ही नहीं और जो खबरें मैंने आपके साथ शेयर की हैं उनकी हेडलाइन जो हैं मैंने अपने थंबनेल के ऊपर जो है वो तहरीर कर दी हैं मेंशन कर दी हैं तो नाज आपसे इजाज़त चाहूँगा अगली वीडियो में एक नई खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे अल्लाह हाफिज़